चांद सामने है। तो कि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, चांद सामने है ईद का, तुझ पे मेरी नजर, इस तरीके का जो सब नेमाट है वो इस टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। और अगर कहीं आप भी चाहते हैं कि आप इस तरीके का जो सब नेम आर्ट है वो अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट करके टिकटॉक के ऊपर अपलोड करें और काफ़ी सारे जो से लाइक्स और फॉलोअर इंक्रीज कर सके, तो ये मेरी वीडियो आपको एंड तक लाजमी देखनी होगी। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कि सबसे पहले आपने जो सा अपना पिक्सेल लैब एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे साइज जो सा वो यूट्यूब थंबनेल चूज कर लेना है। उसके बाद इसमें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक इमेज का लिंक दिया होगा, वो कि आपने इमेज डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर देनी है। यहाँ पे कि जो से मैंने वो इमेज ऐड कर ली है, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं इस इमेज को जो सा स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा कुछ तरीके से। अब इस आपको यहाँ पे जो सी एक शायरी है वो कि आपने ऐड करनी होगी। तो पहले से गए जो मैंने शायरी यहाँ पे ऐड की हुई है, चांद सामने है ईद का तुझ पे मेरी नज़र। तो यहाँ पे गई जो मैं शायरी है वो कि आपने जो सी ये लिख लेनी है उर्दू में, और यहाँ पे जो से मैंने प्रायोरिटी से लिखी हुई है तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अब मैं जो सा यहाँ पे पिक्सेल लैब एप्लीकेशन वो ओपन कर लूँगा। अब मैं इस प्लस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर यहाँ पे इसमें जो से वो पोइट्री ऐड कर दूँगा। जैसे कि इसमें यहाँ पे पोइट्री जो से वो पेस्ट कर देता हूँ, डन के ऊपर क्लिक करूँगा और ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अब किस आपने यहाँ पे जो सा फाउंड ऐड करना है, ए वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे इसमें जाऊँगा फाउंड वाले ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे जो सा मैं फाउंड है वो इसमें ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे इसमें दिखा देता हूँ कौन सा इसमें फाउंड जो सा यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो ये वाला फाउंड जो सा इसमें यहाँ पे ऐड करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब मैं जो सा इसका साइज जो सा यानी कि इसको दो लाइनों में कन्वर्ट कर दूँगा, कुछ इस तरीके से इसमें जो सा इसको दो लाइनों में कन्वर्ट कर दूँगा। कन्वर्ट करने के बाद अब मैं जो सा यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट कर दूँगा, एंगल वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा और इसको जो सा मिड में कर दूँगा कुछ इस तरीके से। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा और इसका साइज जो सा इसमें थोड़ा सा बढ़ा दूँगा कुछ इस तरीके से। बढ़ाने के बाद यहाँ पे इसमें इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब इसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और इमेज का लिंक दिया होगा, तो वो भी इसमें इमेज उसे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इस इमेज उसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब मैं इस यहाँ पे जाऊँगा तीसरे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसमें जाऊँगा इरेज कलर के ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद इसको अनेबल कर दूँगा। अनेबल करने के बाद इसकी जो ट्रोलेंस है वो इसमें थोड़ी सी बढ़ा दूँगा। बढ़ाने के बाद इसमें ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं इस यहाँ पे जाऊँगा कलर वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे जो सा कलर है वो अनेबल कर दूँगा और यहाँ पे कलर जो है वो इसमें वाइट चूज़ कर लूँगा। वाइट चूज़ करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं जो इसका साइज वो थोड़ा छोटा करके इसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दूँगा। सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे जो सा एक बैकग्राउंड यूज़ करना होगा, तो उसका भी लिंक इसमें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये गाइस बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का होगा। तो गाइस आपने जो सा इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे ऐड कर देना है ताकि यहाँ पे ये पूरे तरीके से आ सके, और साइज जो सके आपने इसका थोड़ा सा बढ़ा लेना है। साइज बढ़ाने के बाद अब गाइस आपने यहाँ पे वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे गाइस आपको जाना होगा इरेज कलर वाले ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ से गाइस आपने इसको अनेबल करके ट्रोलेंस आपने इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेनी है। ओके के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आपको दोबारा फिर आना है कलर वाले ऑप्शन के ऊपर। कलर वाले ऑप्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो सा आपको कलर है वो गाइस आपको वाइट चूज़ कर लेना है। ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस आपको यहाँ पे जो सा एक नाम है वो गाइस आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, तो मैं प्लस और टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ पे गाइस एक नाम है वो गाइस मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गाइस जो सा मैंने नेम है वो ऐड कर दिया, डन के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको जो सा गाइस कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दूँगा कुछ तरीके से। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं गाइस जो सा इसका नाम का साइज है फाउंड है वो इसमें थोड़ा सा बढ़ा लूँगा कुछ तरीके से। अब गाइस आपको यहाँ पे वो फाउंड ऐड करना होगा जो गाइस बोल्ड हो, यानी कि थोड़ा सा मोटा हो। तो यहाँ पे इसमें जो सा वो वाला फाउंड है वो इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो फाउंड वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा, तो यहाँ पे इसमें ये वाला फाउंड जो सा वो ऐड कर लूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। इसका साइज जो सा इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दूँगा कुछ इस तरीके से, गाइस मैं जो इसका साइज है वो बढ़ा दूंगा। बढ़ाने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आप नेम लिखते हैं तो गाइस ये जो सा नेम है ये गाइस ठीक तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अब गाइस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे गाइस आपको जाना होगा स्ट्रोक वाले ऑप्शन के ऊपर। स्ट्रोक वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे गाइस आपने स्ट्रोक को अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद इसकी जो गाइस विड्थ है वो गाइस आपने थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, यानी कि कुछ 15 कर ले या 14 कर ले, इसके आसपास आपने जो इसकी विड्थ है वो बढ़ा लेनी है। बढ़ाने के बाद गाइस आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो अब गाइस आपने इन सारी फाइलों को मर्ज कर देना है। लेयर के ऊपर जाना है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे गाइस आपने इन सेलों को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपने मर्ज वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। ओके के ऊपर गाइस आपने क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपने यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन आ जाएगा इरेज कलर का, तो गाइस आपने इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद इसके गाइस आपने जो ट्रोलेंस है वो गाइस आपने फुल भरा देनी है। भराने के बाद गाइस आपने
ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने चौथे वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट जो है वो आपको चूज कर लेना है। ट्रांसपेरेंट चूज करने के बाद अब किसी आपने जो उस इमेज को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद किसी आपने अपना जो सा काइन मास्टर है वो किसी आपने ओपन कर लेना है। तो इस काइन मास्टर जो से मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद किस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक दिया होगा, वो किसी आपने वीडियो डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो मैं इस मीडिया ब्राउजर के ऊपर जाकर वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इस वीडियो जो से मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब किसी आपने जो से यहाँ पे वो वाली इमेज ऐड करनी है जो किसी आपने पिक्सल लैब के ऊपर क्रिएट की थी। तो मैं किसी लेयर ऑफ जाके वो इमेज जो से यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो किसी ये इमेज है मैंने ऐड कर दी है। अब मैं किसी इमेज को जो सा फुल स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ट कर दूंगा कुछ तरीके से। कन्वर्ट करने के बाद अब मैं गई जो सा यहाँ पे इसको फुल एंड तक ले जाऊँगा जितनी गई हमारी वीडियो है। एंड तक ले जाने के बाद अब किसी आप यहाँ पे जो सा है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको एक साउंड का भी लिंक दिया होगा। तो किसी आप ये जो सा साउंड है वो हिसाब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अब हिसाब ने जो सी है इस इमेज को सेव कर लेना है या एक्सपोर्ट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि हिसाब को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।